चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं RRC सेंट्रल रेलवे के रिजल्ट के बारे में। सभी छात्रों का कहना है कि RRC सेंट्रल रेलवे जो है इसमें बहुत धांधली हुआ है, जो कि बाद में उसने अपना कटअप भी शो किया, जिस प्रकार की UR का 70.59 इसमें दिया हुआ है। 9 तारीख को ही आया हुआ है रिजल्ट। RRB ग्रुप डी का है, RRC ग्रुप डी लेवल वन के लिए, सॉरी RRC अब ये ग्रुप डी का पोस्ट चेंज होके ग्रुप सी हो गया है, तो इसको ग्रुप सी बोल सकते हैं लेवल वन का। इसमें UR का कट ऑफ गया है 70.59 और SC का गया है 60.26, ST का 55.09 और OBC का 67.25, EWS का 52.95, जो कि कटअप से बहुत इंक्रीज किया है, हाई कटअप गया है। लेकिन छात्रों का कहना है इसमें कि बहुत धांधली हुआ है, तो इसी का बाद में इसने क्लियरफाई भी किया है आज, कल का नोटिस निकाल के 13 को। देखो, रेलवे बोर्ड का कहना है, जैसे हमारे जो मिनिस्टर जो हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनका कहना है कि रेलवे में अभी जो भी हो रहा है वो पूरा फेयर हो रहा है, पूरा अच्छा तरीक़ा से हो रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट रखा जा रहा है पूरा बातों को। तो जहाँ तक कि यह सही भी है, क्योंकि हम लोग जिस पे बात उठा रहे हैं, जिस पे भी चर्चा कर रहे हैं, मतलब कोई भी थोड़ा सा भी गलती अगर रेलवे में आ रहा है तो हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं या मतलब मेल कर रहे हैं RRC को, तो हम लोग को बात सुना जा रहा है। तो यही सुनते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये रहा हम लोग का ये कल का डेट में जो नोटिस आया हुआ है, RRC सेंट्रल रेलवे का है नोटिस, देख ले सकते हैं यहाँ पे 13/2/2023 के नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जिसमें पूरा क्लियर बताया गया है, इन कंटिन्यूएशंस टू नोटिस डेटेड 10/2/2023, टोटल इसमें कैंडिडेट कितना सेलेक्ट किया था PT के लिए, 21,813 कैंडिडेट, अदर देन इसमें CC और PWD को छोड़ के, नहीं इसमें लेके अदर देन CC और PWD, टोटल 21,813 कैंडिडेट को लिया था, ठीक है। मैं आर आर बी कंडक्ट किया था एग्ज़ाम दे रहा, RRB आउट ऑफ दिस 15,204 कैंडिडेट क्वालिफाइंग PT हेल्ड फ्रॉम 16/1/2023 टू 21/1/2023 एट 16 सोलापुर एंड नागपुर में, दो जगह यहाँ पे PT कनेक्ट हुआ है 16 से लेकर 21 के बीच में। कम्युनिटी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर मेरिट शॉर्टलिस्टेड प्रोविजनली फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम PT क्वालिफाइड कैंडिडेट अदर देन CCA एक्स सर्विसमैन एंड PWD अगेंस्ट द वैकेंसीज नोटिस एज पर कट ऑफ पब्लिश ऑन 9/2/2023 आर मेंशनड इन एनेक्सेड ए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जिसमें पारा 3 में दिया हुआ, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज पर मेरिट शॉर्टलिस्टेड प्रोविजनली फॉर DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर एक्स सर्विसमैन CCA PWD आर मेंशनड इन एनेक्सेड बी। CCA एंड PWD कैंडिडेट आर एक्सेंट फ्रॉम PT। इसमें सभी लड़का छात्रों का कहना था कि ये जो DV का जो रिजल्ट आया था DV के लिए, उसमें कुछ छात्र मतलब कुछ ऐसे रोल नंबर थे जो PT में तो नहीं थे, लेकिन ये फाइनल DV में थे, तो DV में वैसे कैंडिडेट थे इसमें दिया हुआ है कि वो CCA कैंडिडेट और PWD के कैंडिडेट थे जिनका रिजल्ट इसमें दिया गया है, क्लियरली इसमें बोला गया है, विल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन RRB RRC रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एनी एविडेंट एरर और ट्रोफिग्राफर प्रिंट टाइपोग्राफिकल या प्रिंटिंग मिस्टेक्स RRC। इसमें बताया है कि अगर वो गलती से कुछ गलती हो जाता है, जैसे टाइपिंग वाइपिंग एरर या कुछ भी, तो
वो राइट रखता है रेलवे के पास है, तो इसमें बताया गया है, वो तो है ही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे यूआर का मेरिट दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा अलग अलग करके दिखा दिया है कि यूआर में इतने कैंडिडेट को हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। हालांकि देखा जाए तो बिहार का आरआरसी हाजीपुर जो है वो बहुत अच्छा से दिया है रिजल्ट, और फिर आरआरसी जबलपुर का भी अच्छा रिजल्ट आया है, मतलब पूरा उसमें अभी बाद में वो तो हालांकि जबलपुर वाला तो पहले नहीं दिया था कट ऑफ, लेकिन बाद में पूरा उसका क्लियरिफाई किया कि हाँ इतना इतना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं और इतना कैंडिडेट, यह भी तो यूआर का ही चल रहा है, इसमें उसमें पूरा क्लियर दिया है, रैंक रैंक तक भी शो किया है उसमें तो। और आरआरसी में भी पूरा दिया है कौन सा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, कौन सी सीए कैंडिडेट है, और उसका अलग अलग पूरा दिया हुआ है। यूआर का ही पूरा कैंडिडेट है इसमें, देखिए कितना सेलेक्ट किया, ये यूआर का कैंडिडेट है, यूआर में कितना 3326 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है। ओबीसी का मेरिट यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ओबीसी का भी दिया हुआ है इसमें 1352 कैंडिडेट, और फिर यहाँ से एससी का चालू हुआ है, यानी पूरा जितना भी दिया हुआ है, मतलब जो बोल रहे थे लोग कि पीटी में ये देखो ये डब्ल्यूएस का दिया हुआ है, पूरा पूरा अलग अलग करके दे दिया है, जैसे इसमें से पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट का जो मेरे रोल नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है। अब वो चेक कर सकते हैं जिनको इस पर संदेह था कि ये लोग जो रोल नंबर जो वहाँ पे शो कर रहे थे, वो एक बार इसमें चेक कर लीजिए कि वो कैंडिडेट जो है वो पीडब्ल्यूडी के ही हैं या सीसीए का कैंडिडेट है, क्योंकि इन लोगों का होना नहीं था पीटी, इन लोगों का डायरेक्ट मेरिट बनना था, तो इसी वजह से वो पीटी में उसका नहीं दिया था रोल नंबर, ये सबका उसमें है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि रेलवे मतलब अपना तरफ से पूरा ट्रांसपेरेंट कर रहा है और हम लोग का बात भी मान रहा है, तो हम बात इस बात इस टॉपिक पे हम कहना चाह रहे हैं कि हालांकि सभी लड़के पीटी का जो तैयारी किए हैं वो सब चाहते हैं कि मेरा हो जाए, और ये सही भी है क्योंकि वैकेंसी 4 साल में 5 साल में आता है एक बार, तो ये छात्रों के लिए बहुत बहुत मतलब बोल सकते हैं दुख खा बात है, क्योंकि इतना दिन में वैकेंसी आएगा तो भाई लोग क्या करेगा, गुस्सा तो आएगा ही, एक तो रिजल्ट पीटी के लिए इतना मेहनत करके पास किए हैं, क्योंकि कैसे भी हो जाए हम लोग चाहते हैं कि कैसे भी रिजल्ट हो, क्योंकि हम लोग का पेरेंट्स का जो है सपना होता है कि हम लोग का बेटा जो है कहीं जॉब करे अच्छा से, और हम लोग इतना मेहनत करके भाई पढ़ते भी हैं फिर फिजिकल का भी तैयारी करते हैं, और बाद में पता चलता है कि हुआ ही नहीं हम लोग का रिजल्ट, बहुत दुख होता है। तो हम इस बात को बोलेंगे कि इसमें जो वेटिंग पहले रखा था वेटिंग लिस्ट, वो वेटिंग लिस्ट को लाया जाए, हम लोग इस पे बात कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट रहेगा तो हम लोग को बहुत उससे हम इसी बात पे बोलना चाह रहे हैं कि वेटिंग के लिए हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए, हम लोग को ट्विटर कैंपेन या जो भी है प्रोटेस्ट या प्रोटेस्ट क्या बोले, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, अगर हम लोग एकजुट होकर अगर हम लोग मेल करते हैं हम लोग ट्विटर करते हैं तो हमको जहाँ तक लगता है कि रेलवे बोर्ड हम लोग का बात सुनेगी और ज़रूर ज़रूर वो वेटिंग के बारे में कुछ तो क्लियरिफाई करेगी कि हाँ अगर 1 साल 1.5 साल तक के अंदर में कोई छोड़ देता है जॉब, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल 1 का पोस्ट है और इसमें बहुत सारे लोग मेहनत घर अच्छे घर से होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा घर पेरेंट्स के दबाव में तो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन बाद में नहीं हो पाता है तो छोड़ देते हैं, तो वो सीट वैकेंट रह जाएगा। तो हम यही भी बोलेंगे कि हम लोग को एक साथ होना चाहिए और मेरा इस पर टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है उसमें सब कोई ज्वाइन हो जाइए और हम लोग इस पर एकजुट होके ट्विटर कैंपेन या प्रोटेस्ट के लिए जो भी है आवाज़ उठाएंगे इसके रिगार्डिंग कि हम लोग के लिए वेटिंग दिया जाए, ताकि हम लोग मेहनत जो किए हैं और इतना दौड़ के भी हम लोग पीटी क्वालिफाई किए
और नहीं हुआ। हम लोग देखिए सबसे पहले ये कि हम लोग जब दौड़ते थे भाई, कोई तैयारी करता है तो पढ़ने का अलग बात है, लेकिन जहाँ पे फिजिकल का बात होता है उसमें दिखता है कि हाँ लड़का का रिजल्ट हुआ है। जब तुम दौड़ पास कर जाओगे तुमसे कोई पूछेगा कि तुम दौड़ पास किया, क्योंकि इतना मेहनत करोगे तो दौड़ तो पास हो ही जाओगे, बहुत कम ही इसमें छटा हुआ है सब दौड़ में। जहाँ तक देख रहे हैं कि 30% लोग PT क्वालिफाई नहीं किया, तो देखा जाए तो PT तो सब पास कर ही जाते हैं। तो गांव का लोग जो हम लोग जैसे गांव में रहते हैं तो सब देखता है कि हाँ ये तो तैयारी करता है, PT का दौड़ा था, ये पास भी होता है, फिर इसका जॉब क्यों नहीं हुआ। तो थोड़ा सा बोलने में भी बहुत ख़राब लगता है, आप लोग समझ रहे हैं। तो और हम कमेंट्स भी बहुत सारे देखे हैं जिसमें बहुत सारे लड़का रो रहा है सब। देखा जाए तो देखो जो हम लोग का कट ऑफ से जो है लगभग 5-6 5 से तो ऊपर ही सबका गया है, 5 से किसी किसी बोर्ड में UR का कट ऑफ 3-2 रहा हुआ, जैसे सिकंदराबाद में 2 point something है और किसी किसी बोर्ड में है, नहीं तो मैक्सिमम इस समय 5 से प्लस ही गया है। तो जो कट ऑफ है और उसके बीच में 5 5 पॉइंट जो बड़ा है, 10 भी गया है, किसी में 12 तक भी गया है, तो ये बीच में बहुत सारे लड़का होंगे। हम लोग एकजुट होंगे, एक जगह पे आएगी प्लेटफॉर्म पे आके आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर सुना जाएगा। और नरेंद्र मोदी का कहना भी है कि हम रोज़गार देंगे, तो ये हम लोग का वेटिंग के लिए हम लोग आवाज़ उठाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग को लगता है जहाँ तक मेरा ओपिनियन जो है कि सब कोई हम लोग का बात सुनेगा और वेटिंग ज़रूर करेगा, वेटिंग के लिए या करे या ना करे, लेकिन उसके बारे में पूरा क्लेरिफाई करेगा कि क्या करेंगे जो मतलब कैंडिडेट अभी बच गए हैं उनके लिए, कुछ तो कुछ करेगा ही सरकार। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं आप लोग से, प्लीज़ मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें हमको कि हम इस बात पे इस टॉपिक पे मतलब वीडियो बना सकें, आप लोग का मुद्दा रख सकें। आप लोग हमको सपोर्ट करिएगा तो हम हो सकता है आगे ऐसे बहुत सारे वीडियो बना के हम आप लोग का सपोर्ट हासिल करेंगे और अच्छा अच्छा काम करेंगे। थैंक यू।